नमस्कार मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, वैदिक काल में क्या है? ऋग्वेद। वैदिक काल के अंतर्गत आने वाला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ये टॉपिक 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? वैदिक काल की उत्पत्ति, कब ये लिखा गया था, वो समय कौन से रीति ऋषि थे वो समय, ठीक है, और इनका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ सबसे पहले आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, साथियों, मैं जो भी राजनीतिक व्यवस्था यानी कि ऋग्वेद में जो भी राजनीति से प्रश्न पेपरों में आते हैं, केवल उनकी जानकारी, ठीक है, राजनीति बात करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की, किसकी राजनीतिक व्यवस्था? ऋग्वेद में क्या थे? 5 कबीले थे। क्या थे? ऋग्वेद में 5 कबीले थे। कबीले कौन कौन से थे? अनु, द्रोहिय, पुरु, तुर्वस और युद्ध। कौन कौन से कबीले हो गए? अनुज, द्रुयु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और युद्ध। राजा, राजा को कबीले का क्या? संरक्षक। ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक कहा जाता। संरक्षक यानी गोपता जनस्य, गोपता और जनस्य। क्या? राजा को कबीले का ऋग्वेद में, इसमें क्या थी? ऋग्वेद में थी क्या क्या चीजें आती? देखो जी, पेपरों में क्या क्या चीजें आती हैं, महत्वपूर्ण चीजों के बारे में मैं आपको ऋग्वेद से ही, भाई राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो बता दूंगा। उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंतर्गत जो भी भौगोलिक क्षेत्र से प्रश्न आते हैं मैंने उसके बारे में बताया है। इसके सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी पूछे जाते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। धार्मिक के भी, सामाजिक के भी और आर्थिक के भी। अब चल रहे हैं हम राजनीतिक व्यवस्था पर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि राजा को ऋग्वेदिक काल में क्या कहते थे? संरक्षक। संरक्षक गोपता या जगन्य, इसमें क्या थी? सभा, समिति, विदत और गण। ऋग्वेद में क्या थी? सभा, समिति, विदत और गण। ये क्या थी ऋग्वेद काल में? परिषद। क्या थी? परिषद। ये चीज पूछी जाती है भाई, ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी परिषदें थी? प्रश्न कई बार आ चुका भी है इसमें। देखो ऋग्वेद में और क्या था? ऋग्वेद में था सर्ग, पुरात, गण। ये क्या थे? सर्ग, पुरात, गण, ये क्या थे? सेना की इकाई। क्या बोलेंगे? सेना की इकाई। ऋग्वेदिक कालिक सेना की इकाई। इसमें क्या भाई, इसमें हमें क्या पता चला? इसमें पता चलता है दशराज युद्ध का उल्लेख। ऋग्वेद में क्या है? दशराज युद्ध का उल्लेख। उल्लेख कौन से मंडल में हुआ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषणी नदी। भाई विश्व का सबसे पहला युद्ध पानी के ऊपर लड़ा गया, विश्व का सबसे पहला युद्ध यही है दशराज युद्ध। इसमें 5 जन, 5 आर्य और 5 अनार्य, ठीक है, उनके बीच में लड़ा गया, जिसके नेता थे सुदास और पुरु। इसमें क्या हुआ? सुदास जी जीत गए और पुरु हार गया। क्या था? सुदास जी जीते, पुरु हार गया। और भरत और पुरु ने मिलकर क्या बनाया? भाई भरत वंश और पुरु वंश ने मिलके एक नया वंश बनाया, नया कुल, जिसका नाम था कुरु। क्या था? भरत वंश और पुरु वंश ने मिलकर एक नया कुल बना दिया, उसका नाम था कुरु। इस अब देखो इसमें क्या है? सपस। सपस क्या था? गुप्तचर। ऋग्वेद काल में जो सपस थे वो थे गुप्तचर। विदत। विदत क्या थी? जनसभा। विदत क्या थी ऋग्वेदिक काल में? जनसभा। और सभा क्या थी? सभा थी वृद्ध लोगों की संस्था। क्या थी? वृद्ध लोगों की संस्था। अब देखो भाई, सर्वाधिक प्राचीन संस्था हो गई। अब देखो समिति। समिति क्या थी? जो राजा की नियुक्ति करता था, राजा पर नियंत्रण रखते थे। राजा की समिति द्वारा राजा की नियुक्ति होती थी और राजा के ऊपर नियंत्रण रखते थे। उस समय में राजा को क्या कहना, पद से करना या ना करना, ये सब
समिति के हाथ में था। समिति के सभापति को क्या बोलते थे ऋग्वेद काल में? ईशान। समिति के सभापति को क्या कहते थे? ईशान। उग्र और उग्र और जीव गर्भ क्या थे? पुलिस कर्मचारी। ऋग्वेदिक काल में क्या थे? उग्र और जीव ग्रह पुलिस कर्मचारी थे। वाजपति। ऋग्वेदिक काल में वाजपति को क्या कहते थे? गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर मतलब जानवर, गऊ या चरने वाले जानवरों को गोचर, जिस भूमि पे चरती थी उसका अधिकारी था वाजपति। और ऋग्वेदिक काल में भाई इंद्र देवता को क्या कहा गया है? ऋग्वेदिक काल में इंद्र देवता को कहा गया है पुरंदर। क्या कहा गया है? पुरंदर। क्या मतलब? किलों को तोड़ने वाला। इसमें कुलुप जो थे ना, कुलुप वो परिवार के मुखिया थे। इसमें देखो चार थी, परिषद जो थी वो चार थी, सभा समिति विद और गण। गण क्या थी? जो एक परिषद थी वो गण, गण थी सेना। चौथी जो परिषद थी वो थी सेना। मैंने आपको ऋग्वेदिक काल से राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में जानकारी दी। तो मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेदिक काल की जितनी भी जानकारी है मैं आपको इसी तरीके से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे जानकारी दूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।